नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। कांग्रेस सरकार राजस्थान के किसानों को कर्ज माफी के लिए अभी और इंतजार करवा सकती है। इस बारे में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मॉडल का अध्ययन किया जाएगा, इसके बाद यहां किसानों का कर्ज माफ होगा। पायलट ने कल सचिवालय में कहा कि घोषणा पत्र में शामिल किसानों की कर्ज माफी से लेकर बेरोजगारी भत्ता सहित अन्य सभी जन कल्याण के कार्यों और नीतियों को जल्द लागू किया जाएगा। कर्ज माफी के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस मॉडल पर काम किया जाएगा उसका अध्ययन कर यहाँ भी कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किसान कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में किसानों पर बकाया ऋण और राजकोष की आर्थिक स्थिति सहित सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों ने किसानों को 15,000 करोड़ के अल्प और मध्यकालीन ऋण बांटे हैं। इस प्रकार निजी और स्टेट सेक्टर के बैंकों का भी करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों पर बकाया चल रहा है। गया के रौनियार महासभा में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अति पिछड़ा रौनियार समाज को शामिल करने के लिए आह्वान किया गया। अखिल भारतीय रौनियार महासभा के जिलाध्यक्ष राजू, राजकुमार गुप्ता, अनिल गुप्ता, शंकर बाबू, जिला कोषाध्यक्ष अमिताभ कुमार, जगत, अशोक गुप्ता ने आने वाली 30 दिसंबर को बापू सभागार में आयोजित होने वाली सभा में शामिल होने के लिए लोगों का आह्वान किया। आह्वान में नई गोदाम, पंजाब कॉलोनी, पहसी, भीलगंज के लोगों से भी संपर्क किया गया। इस दौरान राजकुमार गुप्ता, राजू, अनिल गुप्ता, अशोक गुप्ता के अलावा कई वरिष्ठ लोग भी शामिल रहे। गया से धीरज गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक वात्सल्य निर्भया शक्ति ने प्रदेश में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जागरूकता रैली निकाली। रैली गया के नूतन नगर से केदारनाथ मार्केट, गांधी मैदान, कोयरी बारी होते हुए वापस नूतन नगर पहुंची। इस दौरान वात्सल्य निर्भया शक्ति की संस्थापिका सत्वती गुप्ता, सदस्य श्याम राज, पीयूष दांगी, गौरी सिंह, नित्याराज, लोटस वैली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मनीष कुमार सिंह, प्रिंसिपल मनोज, रोशन कुमार पाठक सहित आदि लोग शामिल थे। धीरज गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक गया में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिले के सभी 332 पंचायतों के लिए जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने जन समाधान रथ को हरी झंडी दिखाई। इस रथ का मुख्य उद्देश्य दूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बीच अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु जागृत करना है। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर 1800-345-6284 और एक मोबाइल ऐप जन समाधान भी लॉन्च की गई। इस अवसर पर जिला लोक शिकायत पदाधिकारी नरेश झा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। धीरज गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के गया में बौद्ध महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभा कक्ष में जिला अधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें महोत्सव से जुड़ी तैयारियों के लिए नगर पंचायत बोध गया के कार्यपालक पदाधिकारी से कई जानकारियां भी ली गईं। इस दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि बौद्ध महोत्सव के लिए जिन समितियों का गठन किया गया है वो आने वाले शनिवार तक सभी कार्यों को अमली जामा पहना दे। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरेश झा, नगर आयुक्त ईश्वर चंद शर्मा, उप निदेशक जनसंपर्क, अनुमंडल पदाधिकारी सदर के अलावा कई अधिकारी भी मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।